आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने जाऊंगा एक और मैथ की ट्रिक जिसमें घात जिसमें संख्या आपकी करड़ी में दी हो, आपको प्रॉब्लम होती होगी। जैसे कैसे करड़ी में दी हो, जैसे कोई संख्या है तीन करड़ी में दी हो प्लस तीन, अगर ऐसी संख्या निकालने में आपको दिक्कत होती हो तो जरूर वीडियो को एंड तक देखें, आपको बताऊंगा। मात्र आप एक सेकंड में पता कर लेंगे इसका आंसर क्या होगा। और एक चीज और आपको क्या ध्यान में देना है, जैसे ऐसी संख्या है जिसमें इन्फिनेट चिन्ह हो और एक और संख्या होती है रूट में, जैसे टू, ऐसी अगर संख्या हो जिनमें इन्फिनेट चिन्ह नहीं लगा उसमें क्या ध्यान रखना है, और जिनमें प्लस चिन्ह नहीं लगा होगा, जिनमें प्लस लगा है उनमें क्या ध्यान रखना है। तो पहले बात कर लेते हैं हम ऐसी संख्याओं की। आपको अगर ऐसी संख्या निकालने में प्रॉब्लम होती हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ट्रिक समझ में आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो बात करते हैं आज करड़ी में कोई संख्या लिखी, और अक्सर संख्या लिखी है जैसे टू प्लस करड़ी में टू प्लस प्लस का मान, अगर आपसे का मान होगा, अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको ये निकालने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, मगर इसका एक तरीका है। आपको संख्या कितनी दिख रही है, टू दो, तो दो के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके गुणनखंडों में अंतर एक का हो, ठीक है। दो के गुणनखंड कौन से, पहले दो के गुणनखंड कैसे करेंगे आप, दो एकम दो, गुणनखंड कितने मिले, एक एकम एक, दो और एक मिले, दो का गुणा एक में करेंगे संख्या कितनी प्राप्त होगी, दो, और दो और एक का अंतर डिफरेंट कितना मिलेगा हमें, एक। तो दो के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अंतर एक मिले। तो जब अगर प्लस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या, जब अगर हमें प्लस का चिन्ह मिलता है तो हमें बड़ी संख्या, अगर माइनस का चिन्ह मिलेगा तो उस गुणनखंड की छोटी संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो, दो के गुणनखंड कितने किए, दो गुणा एक, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या दो, आंसर कितना हो जाएगा, दो। आप एक सेकंड में कर सकते हैं, बिना देखे कर सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। अब अगली बात करता हूं, और ये जनरली आपके प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर ऐसे क्वेश्चन हमसे गलती करते हैं तो यही एक क्वेश्चन हमें एग्जाम से बाहर कर देता है, ठीक है। और ऐसे सवाल सिर्फ ट्रिकों से ही हो सकते हैं, इनका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा है, एक दो पेज भर जाएंगे आपके, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, जैसे करड़ी में कोई संख्या दी है आपकी अंडर रूट 12 प्लस 12 एक्स बराबर 12 प्लस रूट में, सब संख्या रूट में ही जाएंगे आपकी, प्लस 12 प्लस रूट में 12 प्लस कितनी भी बड़ी संख्या दे दे डॉट डॉट, अगर इन्फिनाइट चिन्ह है और इसका एक्स बराबर वैल्यू पूछे तो जरूर, अगर ऐसी संख्या देगा तो यहां पर आपका इन्फिनाइट चिन्ह होगा या फिर डॉट डॉट का निशान लगा होगा, ठीक है। तो हमें खाली ये अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं देखना है, हमें बस देखनी है अंडर रूट में संख्या कितनी है, 12, हर एक जगह आपकी 12 है, ठीक है। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर कितना हो, एक, जिनका डिफरेंट कितना हो, एक। तो 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट पता है डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो हमें कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। दो सबसे पहले छोटी संख्या से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर एक हो, 2 2 4 और 3, कितना मिल गया, 4 और 3, 4 और 3 का मल्टीपल कितना होगा, 12, और 4 और 3 का डिफरेंट हमें कितना मिलेगा, 1, ठीक है। अंतर कितना मिलेगा, 1, अंतर हमें देखना है बस 1, ठीक है। प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 4, अगर ऐसी संख्या है
तो आपको अंडर रूट की संख्या के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। अंतर शर्त क्या है, अंतर कितना हो एक, और जो अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या, अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या। देखें अगला क्वेश्चन, माइनस पर आधारित। जैसे आपको कोई संख्या दे दे 132 माइनस 132 माइनस 132 माइनस 132 माइनस डॉट डॉट डॉट। अगर आपको ऐसी संख्या मिल जाए तो आपको क्या करना है, जब माइनस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह हो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, संख्या देखना है। संख्या कितनी है 132, इसके गुणनखंड ऐसे करने हैं कि इनके बीच का अंतर एक हो। अब आपको 132 के गुणनखंड नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, मगर एक तरीका क्या है, 132 कैसे करेंगे, 2 6 12 2 1 2, ठीक है, 2 6 12 और 1 5 2 6 12 66 होगा, ठीक है, फिर 2 से 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3 3 1 3 और 11, ठीक है। गुणनखंड क्या मिलेंगे, 2 2 4 4 3 12 12 और 11, 12 और 11 का मल्टीपल 132, अंतर कितना है एक। अगर यहां और भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे यहां और भी बड़ी संख्या, अब छोटी संख्या नहीं दे रहा, कभी क्या होता था, पहले सवाल आते थे अक्सर छोटी संख्या मिल जाती थी, अब बड़ी संख्या मिलती है, तो हमें क्या करना है, 132 के गुणनखंड कैसे करेंगे, छोटी पूर्णवर्ग संख्या और बड़ी पूर्णवर्ग संख्या, 132 से बड़ी पूर्णवर्ग संख्या क्या मिल रही है हमें, 144, ठीक है, 144 किसका वर्ग है, 12, जब बड़ी मिल गई, अंतर कितना देखना है एक का, छोटी कितनी हो जाएगी 11 और 12, आंसर कितना होगा इसका 11, क्यों, माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस का चिन्ह मिलेगा तो आंसर 11, अगर प्लस का चिन्ह तो 12। अब देखिए, अब बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें क्या ना मिले, यहां पर अगर एक अंतर ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपकी कोई संख्या दे दे 5 दे दे, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस, अगर आपको ऐसी संख्या मिले, क्या आप 5 के गुणनखंड कर सकते हैं जिनमें अंतर एक का हो, नहीं, तो फिर हमें क्या करना है, फिर वहां विकल्प हमें विकल्प देगा, ठीक है, विकल्प कैसे देगा अभी आपको बताऊंगा। जैसे 5 के गुणनखंड क्या मिल जाएंगे, अंतर एक नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते, ठीक है, तो 5 से आगे बढ़ेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका अंतर हमें कितना हो, जिसका अंतर एक मिल जाए, 5 6 6 के गुणनखंड मिल सकते हैं 2 और 3। अगर सपोज यहां 6 के भी नहीं मिलते तो और आगे जाते 7 7 के भी नहीं मिलते तो 8 8 के भी नहीं मिलते 9 9 के भी नहीं मिलते 10, मतलब जहां पर एक अंतर के गुणनखंड मिल जाते वहीं जाकर रुक जाते, मगर हमें क्या हुआ 6 6 5 के बाद 6 ही संख्या मिल गई जिसके जिनके गुणनखंडों का अंतर कितना मिल गया एक, ठीक है, अंतर एक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको आंसर क्या होगा 2, ठीक है, आंसर क्या होगा 2, एक्स पूछ रहा है तो फिर यहां एक्स, अगर ए होता तो ए 3, आपका विकल्प में ऐसा आंसर होगा, ठीक है, 2, ये किसका चिन्ह है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, ठीक है, ग्रेटर देन, आपको ऐसा आंसर मिल जाता 2, जो संख्या का मान पूछा वो बीच में वो और ग्रेटर देन 3, ठीक है, ऐसा विकल्प मिल जाएगा जिसके गुणनखंड नहीं मिलते आपको आगे बढ़ जाना है, प्लस से 5 से 6, अगर 6 पर मिल गए ठीक है, 6 से नहीं मिलता 7 7 पे नहीं मिलता 8, तो बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें। और इससे एक और क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अब यहां तो प्लस है, कभी कभी क्या होता है यहां पर चिन्ह ना देकर कैसे सवाल आते हैं, अक्सर उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई संख्या दी है ठीक है जिसमें 2 2 2 2 2
अब इसका मान पूछे, ठीक है, का मान होगा। अब देखिए यहां पर ना चिन्ह प्लस है ना माइनस है, ना चिन्ह प्लस है ना माइनस है, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल तरीका क्या है, घात संख्या कितनी है, दो। संख्या कितनी है, दो। अब घात इसका एक सूत्र होता है, दो का गुणा, दो का गुणा उतनी बार, उतनी बार जितनी वार करड़ी, जितनी बार करड़ी और माइनस वन बट्टे दो का गुणा उतनी बार, उतनी बार जितनी बार, जितनी बार करड़ी। यहां माइनस वन नहीं है, ऊपर क्या है, दो का गुणा उतनी बार जितनी बार करड़ी माइनस वन, नीचे दो का गुणा उतनी बार जितनी बार करड़ी, ठीक है। दो का गुणा उतनी बार जितनी बार करड़ी, करड़ी कितनी बार है, एक बार ये, 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 एक दो तीन चार पांच, पांच। तो क्या करना है हमें, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, एक दो तीन चार गुणा दो माइनस वन बट्टे दो गुणा कितनी बार है, पांच बार है, तो दो का गुणा पांच बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, फिर दो का गुणा उतनी बार बट्टे दो का गुणा उतनी बार जितनी बार करड़ी है, फिर वही काम, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, एक दो तीन चार पांच, पांच बार कर दीजिए, दो का गुणा पांच बार कर लिया, ठीक है। अब किस पर करेंगे, दो की घात, दो की घात पर, ठीक है। ये मान किस पर लगाना है हमें, दो की घात पर, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस में से एक गया इकतीस, इकतीस, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, कितना आया हमें, इकतीस बट्टे बत्तीस, संख्या कितनी है, दो, दो पर यही घात चढ़ा देनी है, इकतीस बट्टे बत्तीस, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर संख्या चाहे कोई भी हो, ठीक है, जितनी दो का गुणा उतनी बार, इस दो का गुणा उतनी बार जितनी बार कर लीजिए, कितनी बार कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच, माइनस वन, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, माइनस वन इकतीस, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, इकतीस बट्टे बत्तीस, संख्या कितनी है, दो, दो पर कितनी आ जाएगी घात, इकतीस बट्टे बत्तीस। अगर यहीं पर संख्या कोई और हो, जैसे संख्या दो की जगह कुछ और हो, क्या हो, सात 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 सात, अब क्या होगा, ठीक है। अब कितनी बार करड़ी हो गई, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार, ठीक है। दो का गुणा कितनी बार, छह बार, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो कितनी बार हो गया, एक दो तीन चार पांच गुणा दो माइनस वन बट्टे दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, एक दो तीन चार पांच, फिर गुणा दो, ठीक है। आंसर कितना आएगा, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ, चौसठ से एक गया तिरसठ बट्टे दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस दुनी चौसठ, ठीक है। संख्या कितनी है, सात, सात की पावर क्या लगा देंगे, तिरसठ बट्टे चौसठ, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।